हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी शेयर मार्केट में। आज बात करते हैं विप्रो शेयर के बारे में, विप्रो शेयर के एनालिसिस करेंगे। विप्रो का ओवरऑल चार्ट दिखाया गया है, तो ओवरऑल में इसने 7.761% का रिटर्न दिया है। शेयर 44% की गिरावट के बाद भी इतने रिटर्न है इसमें। देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट जो है यूएसए के आईटी सेक्टर में जो गिरावट है उसके कारण ये गिरावट देखी जा सकती है कल के दिन भी। फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 2,00,000 करोड़ का, रिटर्न ऑफ इक्विटी है 20% और पी रेशियो है 19%। बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट में हल्के अप्स डाउन है। प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग 500 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स ने जो पिछले क्वार्टर से और करंट क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं किया है, 73% का स्टेक है। रिटेलर का स्टेक 15.68 है प्रीवियस क्वार्टर का, यानी स्टेक बढ़ा है रिटेलर का। और एफआईआई का स्टेक डाउन हुआ है और म्यूचुअल फंड का स्टेक प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग बढ़ा है। ये थे विप्रो के डिटेल्स। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।